जी। जी। वैष्णो देवी के लिए पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप मेरा मतलब है कि जैसे पुराने दुर्गा स्तुति के अंदर जो हिंदू ग्रंथ हैं उनके मुताबिक जो यात्रा निकलती थी वो यात्रा होती थी पहले जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर, फिर उसके बाद हम यात्रा जाते थे, पहला दर्शन कोल कंडोली जो जम्मू से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, नगरोटा शहर के अंदर है, फिर उसके बाद देवा माई, और फिर उसके बाद आगे की यात्रा तय करते थे। अब पीछे क्या हुआ कि सरकारों ने ऐसा कोई विकास किया जम्मू कश्मीर का कि हमारे जो सबको आवाज आ रही है, अच्छा, जो हमारी यात्रा थी माता वैष्णो देवी की वो आधी अधूरी रह गई। आधी अधूरी से मेरा मतलब है कि आप भी जितने लोग अगर पीछे साल 2 साल 5 साल में वैष्णो देवी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सीधा ट्रेन कटरा चली जाती है, सीधा बस से हम लोग कटरा पहुंच जाते हैं, यानी जिसमें हमारा जो ग्रंथों के हिसाब से जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय सचिव राज्यसभा सांसद आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के मार्गदर्शन से आज जम्मू कश्मीर शिवसेना कार्यालय के अंदर तमाम राज्य इकाइयों के साथ, वहां राज्य प्रमुख के साथ आज यहां एक वर्चुअल बैठक का हमने आयोजन किया है। बैठक का मुख्य मकसद था हमारा कि जो हम 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 2022 को जो पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप हम जो माता वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं उसके लिए सबको आमंत्रित करना। तमाम राज्य इकाइयों ने इसमें बहुत इच्छा जताई है यहाँ पहुँचने की और हमें पूरी उम्मीद है, और एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार ये हमारी जो 14 तारीख को जो यात्रा निकाली जा रही है इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा शिव सैनिक और माँ के भगत श्रद्धालु इसके अंदर उपस्थित होने की हमें पूरी उम्मीद है। तमाम राज्य इकाइयों ने यहाँ पर आएंगे उस दिन 14 को यहाँ पर शामिल होंगे। हम जम्मू कश्मीर की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि इस यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस यात्रा का मुख्य मकसद जहाँ संपूर्ण माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाना है, उसके साथ ही जम्मू की जो अर्थव्यवस्था है, जो जम्मू का व्यापार जो इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है यात्रा ना आने से, उसको भी एक जो है गति मिलेगी। जय माता दी।